28 अप्रैल को आने वाला है जिया खान सुसाइड केस का जजमेंट। अपने घर पर मृत पाए जाने के लगभग 10 साल बाद मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई अदालत 28 अप्रैल को बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड मामले में अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में जिया के बॉयफ्रेंड और फिल्म स्टार सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को उकसाने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई के स्पेशल जज एएस सैयद ने गुरुवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी और फिर मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब एक बार आपको बता देती हूँ इसकी टाइमलाइन और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस केस से जुड़ी हुई हैं। 25 साल की एक्ट्रेस जिया खान 3 जून 2013 को अपने जुहू स्थित घर पर मृत पाई गई थी। पुलिस को घर से 6 पन्नों का एक लेटर मिला था जिसे ये कहा जा रहा था कि बॉलीवुड स्टार ने लिखा था। इसी के आधार पर सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को 2021 में एक स्पेशल सीबीआई अदालत को सौंप दिया गया था, जब सेशन कोर्ट ने यह कहा था कि इस मामले पर उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इसकी जांच की थी। अब ये मामला क्या है, केस क्या है, सूरज और जिया कैसे मिले, इन सब के बारे में बात करते हैं। जिया और सूरज की फ्रेंडशिप सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार में बदल गई ये दोस्ती। जिया और सूरज का रिश्ता आगे बढ़ रहा था लेकिन दोनों का रिलेशनशिप काम नहीं कर पाया और अचानक से उसमें दरार आ गई। बताएं कि जिया के आत्महत्या करने से पहले सूरज ने उन्हें ऐसे मैसेजेस किए थे जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सूरज ने जिया को लगभग 10 मैसेजेस किए थे जिनकी भाषा बहुत खराब थी। सुसाइड वाले दिन जिया ने सूरज को कई बार फोन किया, जब सूरज ने फोन नहीं उठाया तो जिया उनके घर चली गई। वहां पर सूरज किसी मीटिंग में थे, उसके बाद जिया ने काफी देर तक उनके घर के बाहर उनका वेट किया लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई और थोड़ी देर बाद जिया अपने घर आ गई और उसी के एक घंटे बाद जिया ने सुसाइड कर ली और सूरज के नाम एक 6 पन्ने का नोट भी छोड़ा जिसमें यही सब लिखा हुआ था कि उन्होंने किस तरह से उन्हें धोखा दिया। इस मामले में जिया की मां राबिया का ये मानना है कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। राबिया खान ने अदालत में क्या कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 2012 में जिया और सूरज मिले थे, उस वक्त जिया ने उन्हें कुछ फोटोज शेयर की थी और बताया था कि वो दोनों बस फ्रेंड्स हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो डेली उनका जो लाइफ था उस पर वो सूरज पंचोली हावी हो गए थे और अक्टूबर 2012 तक दोनों एक ही घर में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि उसी साल नवंबर में यानी नवंबर 2012 में जिया जब लंदन में अपने घर पहुंची तो बहुत खुश थी। इसके बाद जिया अपने कुछ काम वाम से मुंबई आई, मुंबई में अपना काम किया और फिर दिसंबर में यानी क्रिसमस में जब उन्हें वापस लंदन जाना था क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए तो वो वहाँ नहीं गई। उन राबिया की अगर माने तो 24 दिसंबर 2012 को जिया को पंचोली ने एक मैसेज किया। उस मैसेज में ये लिखा था कि एक दोस्त से झगड़ा हो गया था उनका, इस वजह से जिया और सूरज दोनों एक दूसरे से नाराज थे। बेसिकली सूरज जो थे वो जिया से नाराज थे तो उस मैसेज में ये लिखा था कि जिया सूरज को माफ़ कर दें और उन्हें एक सेकंड चांस दें। उसके बाद राबिया ने कहा कि उन्हें पता चला कि दोनों के बीच एक्चुअली हिंसक झड़प हुई थी यानी वायलेंस हुआ था और जिया खान ने कहा कि भाई उन्हें दूसरा मौका देना है, वो चाहती हैं कि दूसरा मौका दिया जाए, इसलिए दोनों गोवा चले गए। उसके बाद जब राबिया ने उन्हें फ़ोन कॉल किया तो जिया ने बताया कि वो बहुत अजीब जगह हैं और वो वहाँ रुकना नहीं चाहती हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि गोवा में पंचोली जो थे वो दूसरे दोस्तों के सामने जिया को नीचा दिखाते थे, दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट किया करते थे। इस बात का जिक्र जिया ने अपने सुसाइड लेटर में भी किया है। इसके बाद अचानक 14 फरवरी 2013 को जिया लंदन पहुंच गई और बहुत उदास नजर आ रही थी। जिया खान के करियर की बात करें तो उनका करियर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा है। उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द से डेब्यू किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेवती लीड स्टार थे। जिया गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्म्स में भी काम कर चुकी हैं। जिया एक सिंगर भी थी और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और एक्टिंग की पढ़ाई की थी।